अस्सलाम वालेकुम फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज अबान खान ब्लॉग्स में हम बना रहे हैं मीठे दही बड़े विद चटनी, खट्टी मीठी चटनी। तो जिसके इंग्रेडिएंट्स हैं मैं शॉर्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ और मैं दोबारा अगेन बता रही हूँ। ये मैंने माश की दाल ली है जो 120 ग्राम्स है। इससे मैंने 3 खाने के चम्मच जो है मूँग की दाल भी ली है और उसको मैंने सुबह से इसको भिगो दिया था। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। और इसका पानी देखें ड्रेन कर लिया है। अब मैं इसको जो है ब्लेंड करूँगी। ये हमारे पास जो है दही है जो मैंने आधा किलो लिया है, पापड़ी है, दूध है, बेसन है 3 खाने के चम्मच, ये मेरे पास इमली का पल्प है। और फिर हम आ जाते हैं हमारे पास ये क्रीम है, ये मीठा सोडा है, 2 टेस्ट नमक है, और मेरे पास ज़ीरा है जो मैंने भून के उसको कूट लिया है, चाट मसाला है, काला नमक है और चीनी है। चलें तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, हम अपनी जो मेरी दाल है जो मैंने उसको भिगो के रखा हुआ था पूरे दिन से, मैं इसको जो है ग्राइंडर में डाल के इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं। मैंने इसमें पानी अभी नहीं डालूंगी क्योंकि ये दाल के अंदर पानी होगा। तो फ्रेंड्स देखें कितना गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बन गया है। मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी। दो से 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें सिर्फ पानी ऐड किया है। अब मैं दोबारा इसको ब्लेंड करती हूँ। जी तो फ्रेंड्स, ये देखें हमारा ये ब्लेंड हो चुका है और मैं इसको अपने जो है निकाल रही हूँ बॉल में। इसमें मैंने पानी ब्लेंड करते हुए नहीं डाला था क्योंकि पानी जो है जो मैंने भिगोई थी दाल तो उसने सोख लिया था सारा। तो जो है अब वो उसी से ब्लेंड होगा। अगर आपको लगे गाढ़ा है तो मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच जो है खाने के इसमें डाले हैं पानी के, फिर उसको ब्लेंड किया है। तो इसकी इसको देखें टेक्सचर देखें इसका कैसा आया है। इसमें जो है कागा सा दाना दाना भी अगर हो तो कोई वो नहीं है। देखें अब इसका टेक्स्चर देख लें, इस तरह से आएगा। जी फ्रेंड्स, ये हमारा बैटर जो है रेडी है। अब इसमें मैंने जो है 1, 2 और ये 3 ये बेसन मैंने इसमें ऐड किया है। इसको अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स ना हो। इस एंड पे आपको अगर लगे कि ये बहुत गाढ़ा हो रहा है तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। देख इस एंड पे मैं अब इसमें डालूंगी, मेरे पास ये जो है ज़ीरा है जो भुना हुआ कुटा हुआ है जो मैंने 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा है, 2 टेस्ट नमक है, ये मेरे पास सोडा है खाने का वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बाज़ार की जो जो बनती हैं फुलकियाँ उसमें ये सब चीज़ें नहीं होती, ज़ीरा नहीं होता, लेकिन मैंने घर में बना रही हूँ उसमें ऐड कर रही हूँ ताकि इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें इसको हम
इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, और जब तक हम अपनी जो है मीठी खट्टी मीठी चटनी रेडी कर लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, चटनी के लिए मैंने ये पैन ले लिया है, और ये जो है इमली का पल्प है जो मैंने सब भिगो के रख दी थी इमली, और इसका गुटियाँ निकाल दी हैं। इसमें मैं डालूंगी, ये मेरा काला नमक है, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करूंगी भुना हुआ कुटा हुआ, थोड़ा सा नमक जाएगा इसमें, इसमें चीनी डालूंगी 3 चम्मच, और जो है आप इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे इसमें, और इसको इतना पकाना है कि ये जो है गाढ़ा गाढ़ा सा जो है हमारे पास मिक्सर आ जाए। जी फ्रेंड्स, ये देखें भाई, ये देखें इस तरह से इसका टेक्सचर आ रहा है। उसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है, क्योंकि ये लगे ना, अगर लग जाएगी तो ये इसकी में अंदर जलान की स्मेल आएगी। देखें हल्के की ये सेक होना शुरू हो गई है। जी तो फ्रेंड्स, ये देखें हमारी जो है ये खट्टी मीठी चटनी जो है इमली की, ये डन हो चुकी है। देखें एक तार आ रहा है इसमें, मुझे बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, क्योंकि ठंडी होकर और गाढ़ी हो जाएगी। तो मैं इसको अपनी कटोरी में निकाल देती हूँ, फिर अपनी हम जो है फुलकियाँ रेडी करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, मैंने देखें एक डाल के चेक किया है, अब मैं दूसरा डालती हूँ इसमें फुलकियाँ। जी तो फ्रेंड्स, ये देखें हमारे जो है एक तरफ से डन हो रहे हैं, तो मैं इसको चेंज कर रही हूँ इसकी लुक। देखें इसमें बहुत पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि ये स्लो आंच पे बिल्कुल पकेंगे, वरना अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जी तो फ्रेंड्स, जब तक हमारे जो है वो पकौड़े हो रहे हैं, तो जब तक हम इसकी जो है वो बना लेते हैं, दही को मिक्स कर लेते हैं चीनी दही में। ये मैंने दही ले लिया है, उसको अच्छे से जो है मैंने फेंट लिया है, और मैं ये जो क्रीम है ये देखें, 1, 2 और 2.5 चम्मच मैंने इसमें क्रीम डाली है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसका बड़ा अच्छा सा क्रीमी सा जो है वो आता है टेक्सचर भी, और मुंह में जाते ही घुल जाती है। देखें कितना गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें इसको थोड़ा पतला करने के लिए हम दूध डालेंगे। मैंने 1 कप दूध लिया है, ये मेरा तो देखें गाढ़ा गाढ़ा है। मैं देखूंगी अगर मुझे इसमें पानी ऐड करना हुआ तो मैं इसमें करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे नहीं करना, क्योंकि मुझे चीनी डालनी है, चीनी पानी छोड़ेगी। मैं अब चीनी ऐड कर रही हूँ, मैंने 2 चम्मच, और ये 3 चम्मच मैंने इसमें चीनी डाली है।
चीनी को डालकर इसको अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मैंने जो है साबुत ऐसे बगैर पिसी हुई चीनी ली है, आप पीस के भी चीनी इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा क्रीमी टेक्सचर आया है इसका। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, देखें अच्छा है। इसको मैं साइड पे करती हूँ, फिर हम अब दिखाते हैं जब हमारी फुलकियाँ डन हो जाती हैं तो फिर हम इसको सर्व करके दिखाते हैं। जी तो फ्रेंड्स ये देखें मेरी जो है फुलकियाँ जो है डन हो गई हैं। अब मैं इसको निकाल के, और मैंने ये बॉल ले लिया है, उसमें पानी लिया है, उसमें हम पानी में डाल देंगे। पानी में इसको अच्छे से भिगो देंगे। इसी तरह से मैं और भी बनाती हूँ और बना के इसमें डालती हूँ, फिर इसको सर्व करते हैं। जी तो फ्रेंड्स ये देखें हमारी जो है फुलकियाँ जो है डन हो गई हैं। मैंने इसको भिगो के इसमें से पानी जो है निकाल दिया है, इतनी सॉफ्ट सी बनी है। अब मैं इसके ऊपर जो है अपना ये जो मेरे मिक्सचर था दही का जो मैंने आपको बताया था, मैं इसको इसके ऊपर पोर करूँगी। अच्छे से इसको कवर कर दें। मैं इसको इसलिए फुल नहीं कवर करी ताकि इसको लगे, पता चले कि इसके नीचे दही फुलकी हैं। अब जो है मैं इसके ऊपर अपनी ये चटनी डालूंगी जो मैंने बनाई। देखें इसकी कितनी थिकनेस हो गई ठंडी होने के बाद। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, रमज़ानों में बहुत मज़े के बनते हैं। और अच्छी लगे रेसिपी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अब मैं ये इसको हाथ से स्प्रिंकल करूँगी, चाट का मसाला है ये। ये पापड़ी है, जी तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की रेसिपी। आपको अच्छी लगे तो ट्राई कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, फिर किसी अच्छी वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।